हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी आए हो, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जी आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर। तो जी आज मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग कर रही है, डीप क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी किचन और कहीं ऐसे सोच रही थी, टाइम भी लग रहा था, तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आज किचन की डीप क्लीनिंग कर ले जाए। और आज है संडे, तो बच्चों ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा है, बच्चे अभी बिस्तर पर ही लेट रहे, ये देखिए यहाँ पर। और नाश्ता वगैरह कर लिया क्योंकि शाम की पूरी रखी थी, रात पूरी बनाई थी, तो पहले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पूरी और चाय और अचार से हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते के बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए। और मैं कर रही होगी डब्बों उब्बों की क्लीनिंग, और जो बास्केट थी मतलब टोकरी से जिसमें मैंने डब्बे उब्बे कांच के गिलास वगैरह रख रखे थे उसे क्लीन कर दिया है। और जो मैंने मक्खन बिलाया था कल, वो भी मैंने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए, घी बनने के लिए। तो उतने धीरे धीरे घी बनेगा, गैस मैं सिम कर दूंगी और उतने मैं कर लेती हूँ अपनी क्लीनिंग, जो किचन की डीप क्लीनिंग है। और आज मैं बना दूंगी इनके लिए दाल चावल, क्योंकि डीप क्लीनिंग में बहुत टाइम लग जाता है, सारे डिब्बे वगैरह साफ करने पड़ते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी दाल और चावल बना के बच्चों के लिए हो जाएगा। और आज थोड़ा सा नहाने धोने में भी लेट हो जाएगा क्योंकि किचन का काम ना बहुत महंगा रहता है, इसमें घुस तो जाए लेकिन उन्होंने फिर रास्ता लगता कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे ख़त्म करें। तो मैं करूँ आज किचन की डीप क्लीनिंग, फ्रेंड बने रही है एंड तक ब्लॉग में और देखते रहिए किस तरह से क्या हो रहे हैं। तो फ्रेंड अभी कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। और आज घर में बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत अच्छी खासी कड़ाके वाली निकल रही है, तो बस मैंने छेड़ दी आज किचन, क्योंकि कई दिन से और था कि आप बरसात हो रही है, धूप हो रही है, आप होने की नहीं, आज नहीं करते कल नहीं करते, इसलिए टाइम निकलता ही जा रहा था। मैंने सोचा आज इसको करना ही करना है, और यही होता है ना सभी के साथ कि आज करेंगे कल करेंगे, फिर वो बीतता ही चला जाए, काफ़ी टाइम हो जाए। तो मेरे साथ तो होता है, और किस किस के साथ होता है आप लोग बताना, क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं किचन को, फिर हम लोग सोचते हैं हाँ आज कर देंगे आज कर देंगे। और नीचे वाले स्लैब तो फिर भी कपड़ा लगता रहता है, साफ होते रहते हैं, ऊपर जहाँ पे डिब्बे वगैरह रहते हैं वहाँ पे चिक्कड़ चढ़ जाता है, तो उसे मैं आज अच्छे से क्लीन करूँगी। और फिर काफ़ी सारा टाइम जाता है किचन में, ऐसे नहीं कि नहीं एक दो मिनट का काम है घर पुरा के छुट्टी करो, तो कर लेते हैं अपना काम, बहुत लेट हो जाएंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से छोड़ देते हुए। जैसा मैं अपना अपने किचन को सजाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी, बताना कमेंट करके। तो जी अभी चलते हैं और स्लेब पे से डिब्बे वगैरह उतारते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मैं डिब्बे उतार रही हूँ, और ये सारे डिब्बे मैं उतार के नहीं चलने वाली स्लेब पे रख दूँगी, और स्लेब पे से जो ये पेपर बिछा रखे हैं ये भी ख़राब हो रखे हैं, तो इनको भी कूड़े में डाल देंगे। तो इस पर मैं अच्छे से पहले झाड़ू लगाऊँगी और फिर गिले कपड़े से पोचा सा लगा कर तब ये सूख जाए, तब इस पर पेपर दोबारा से नए वाले पेपर बिछा कर और डिब्बे धोल कर पोंछ कर तब लगाऊँगी मैं फ्रेंड। तो अभी सारे डिब्बे उतार लेते हैं यहाँ पर। तो जी देखिए स्लैब मैंने बिल्कुल खाली कर दिया और इस पर झाड़ू भी लगा दिया, अब इस पर मैं पोछा लगाऊंगी और ये अच्छे से सूख जाएगी तभी। तो जी कुछ तो डब्बे धुल गए और कुछ रह रहे, आधी क्लीनिंग हो गई है ये समझो, और आधी रह रही है ऊपर के स्लैब साफ कर दिया और अखबार वगैरह भी बिछा दिया है मैंने, और डब्बे भी जो कुछ धुलने थे वो धोकर रख दिए और थोड़े से पोंछने हैं अभी सामान को सेट करके, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और जी ये देखिए यहाँ पर मैंने बाहर वॉशिंग मशीन भी लगा रखी थी क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हो रही थी और भी कपड़े हो रहे थे, और फिर कल मंडे हैं तो मंडे में कपड़े नहीं धुलेंगे, हमारे यहाँ पे माता पूजी जाएगी। तो फ्रेंड मैं अपने कपड़े भी साथ के साथ, क्योंकि मशीन में तो हमें सर्फ और पानी डाल के ही छोड़ देना है, तो काम मशीन अपना खुद करेगी बिजली से होगा। तो अंदर मैं अपनी डीप क्लीनिंग कर रही थी किचन की, तो यहाँ पर कपड़े धुल गए थे, इनको मैं स्टैंड पे फैला रही हूँ यहाँ पे, और अंदर का भी लगभग थोड़ा बहुत काम हो ही गया है। और आज ना बहुत लेट हो गई थी, अभी 3 बज रहे हैं, मैं कपड़े आज तो पूरी दोपहरी सर पे को ऐसे ही गई है कपड़ों में लगी हुई है, और अभी और भी रह रहे हैं, जो बेडशीट वगैरह उतारती वो भी रह रही है, वो भी साथ के साथ धुल के डाल दूँगी मैं। तो अभी यहाँ पर कपड़े फैला लेते हैं फ्रेंड। किचन के काम में आज कमर टूट गया, सुबह से लगे ना अभी 4:15 बज गया है, अब मैं नहा के आई हूँ, सर धो के आई हूँ, क्योंकि जब धूल मिट्टी का काम कर लेना तो एयर वॉश करे बिना चैन नहीं पड़ता, फिर कल मंडे है
तो मुझे फास्ट रखना है, तो फिर इसलिए मैंने अपना सर्वर धो के अभी आई हूँ। बहुत सारे कपड़े उठे, कपड़े भी वॉश करे और किचन के डब्बे वगैरह सब कुछ, बेड शीट चेंज करी वो भी धुल दी। तो अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ और 4:15 का टाइम हो गया। अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए एक कप चाय गर्मा गर्म सी, क्योंकि सुबह से लगे लगे आज हो गया कमर में दर्द। अब चाय वाय पी के तब आप लोगों से बातें करूँगी, थोड़े से बालों में वो कंघी वंघी कर लूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं पूरे घर का हाल, आज मैंने कैसे अपने घर की और किचन की काया पलट कर दी, चमका दी पूरी किचन। तो जी देखिए, रैक भी मैंने अच्छे से जूने से रगड़ के साफ कर दिया और सारे डब्बे इसमें लगा दिए मसालों के, और पीछे वाली टाइल पर भी धुआं सा हो रहा था जो इसमें गैस पे काम कर रहा है ना, तो पूरा इसे भी जूने से अच्छे से रगड़ के देखो चमक रही बिल्कुल अच्छे से, गैस में सब कुछ क्लीन कर दिया। ये देखिए यहाँ से भी और ये इधर से भी पूरा रगड़ के मैंने सारा कर दिया है, और ये देखिए ऊपर की स्लैब भी अखबार वखबार सब कुछ चेंज कर दिए हैं, और ये देखिए ऐसे, और नीचे के लिए सब कुछ रगड़ के साफ कर दिया है, और इधर भी ये देखिए पूरी टाइल रगड़ दी है मैंने पीछे के लिए ये भी, और ये जूने मैंने इसमें रख दिया है निचड़ जाएंगे क्योंकि इसमें पड़े पड़े भी फिर वो हो रहा है जूठे बर्तन भी डलते हैं इसमें। और ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए बेड शीट चेंज करती है सारे, और कपड़े देखिए कपड़े बेड शीट वगैरह सब चेंज करती है, और इधर मैंने सूट दिए हैं